कोल की स्क्वाड यहाँ पे शॉट ही लेते हुए दिख रहे टीम एंटिटी के ऊपर। मेरे हिसाब से उन्होंने पोचिंग के पास वाले जो हिले वो होल्ड इन करके रखा पे गोल्ड ब्लेड क्लोजिंग करते दिख रहे वाइट पर ऊपर और वाइट पर रेगल सोल्स यहाँ पे कीओपी को नॉकडाउन किया। मॉडल यहाँ पे गोल्ड ब्लेड को नॉकडाउन किया। यहाँ पे दो प्लेयर बाकी रहते सोल की स्क्वाड जो है वो दो किल लेते हुए दिख रहे हैं। कीओपी को भी फिनिश ऑफ कर लेंगे फिलहाल के लिए। स्कूल के दो प्लेयर बाकी रहेंगे। सांगवान ने फिनिश ऑफ कर दिया दो किल सोल के पॉकेट में ऑलरेडी आ जाएंगे। 20 मिनट हमारे मैच में होते हुए दिखते हैं क्या सोल की स्क्वाड और एक चिकन डिनर ले पाएगी। यहाँ पे शॉट से वाइपर ने यहाँ पे 420 ओपी को नॉकडाउन किया। यहाँ पे टीम एंटिटी की स्क्वाड भी थर्ड पार्टी करने आ चुके। यहाँ पे काफी लेजेंडरी फाइट होगी एंटिटी की सोल की। देखते हैं ये फाइट में कौन जीता। 8 बिट के 7 को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया गया। पीछे से काफी प्यारा नॉकडाउन आते हुए दिख रहा है सोल की तरफ से। मॉडल यहाँ पे स्लैमिंग क्लोजिंग करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे डेस्ट्रो रिवाइव करने की ट्राई करेंगे पर उनके राइट साइड में भी टीएसएम के प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे डेस्ट्रो के ऊपर रशिन आता हुआ दिख रहा है। डेस्ट्रो जो है उन्होंने रिवाइव छोड़ दिया क्योंकि काफी दिक्कत रह सकता है वो रिवाइव देते डेस्ट्रो को स्पॉट इन किया और इसी के साथ सोल की स्क्वाड ने मुंबई स्पोर्ट्स को पूरा का पूरा इजिली एलिमिनेट कर दिया। कप ऑफ केक फॉर देम। यहाँ पे गॉड्स के मनु ने यहाँ पे टीम सोलो मिड के प्लेयर्स के साथ फाइट डाउन। वाइपर यहाँ पे ओपन में लूट रहे। जॉनाथन यहाँ पे सांगवान को नॉकडाउन कर दिया। सो एनडीटी की स्क्वाड जो है काफी प्यारा डोमिनेशन देखते हैं जारी रख पाती है कि नहीं सोल के अगेंस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं एडविड के प्लेयर यहाँ पे फाइटिंग लेने की ट्राई कर रहे। अक्षु जैसा कि देख सकते हैं सेल्स के क्लियर को फिनिश ऑफ कर दिया। रेड जो है लास्ट बंदे बाकी रहते अपनी टीम के तरफ से। 26 प्लेयर्स अलाइव है और 9 टीम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। काफी इंटरेस्टिंग मूवमेंट पे गेम जाता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पे फैनेटिक के रौनक यहाँ पे सोल के सांगवान को नॉकडाउन कर दिया। यहाँ पे सांगवान फिनिश ऑफ होते दिख रहे हैं मेरे सबसे। एनडीटी का सेल जो है स्टिल कर यहाँ पे डोमिनेशन था 16 किल का वो यहाँ पे उनका खत्म होता हुआ दिख रहा है। सो टीम 76 की स्क्वाड ने एंटिटी को पूरा का पूरा फिनिश ऑफ कर दिया। टीम वेजी क्रॉल की बात करें तो वो लोग पहुंचेंगे अभी भी फिलहाल के लिए जोन में। कौन सी टीम बात हमारी यहाँ पे सर्वाइव करती हुई दिख रही है। फेनाटिक और सोल की भी एक इंटरेस्टिंग फाइट हमें देखने को मिल सकती है। जो लोअर ग्राउंड है फेनाटिक के पास है, हाई ग्राउंड है सोल के पास है। देखते हैं ये फाइट में कौन जीतता है। 8 बिट के दो प्लेयर को नॉकडाउन किया पर सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे 8 बिट बैक फॉर मर्सी को रेगल तो फिनिश करने की पूरी ट्राई करेंगे। काफी प्यारा 3x के साथ ट्रेन करने की ट्राई करेंगे। फिफ्थ फेज हमारा क्लोजिंग हो चुका है जहाँ पे काफी क्लोज हमें फेनाटिक और सोल के प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। 8 बिट के प्लेयर्स की बात करें तो वो लोग बाना उस पर अभी भी होल्ड अप कर रहे हैं। जोन जो है उनके ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। फिफ्थ फेज क्लोजिंग हो जाएगा। वीएसजी और ब्लाइंड की स्क्वाड भी काफी क्लोज है। सो नेक्स्ट फेज बनता हुआ दिख रहा है जहाँ पे टीम 8 बिट के पास काफी प्यारा जोन हमें देखने को मिल रहा है। सोल की तरफ शॉट्स आते हुए दिख जाएंगे एक्सपेन के तरफ से। लेट्स डू इट गाइस। क्या यहाँ पे फेनाटिक या सोल का और एक चिकन डिनर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पतंजलि क्लोजिंग करते हुए दिख रहा है। स्पॉटिंग करने का ट्राई किया मेरे हिसाब से वाइप रेगल तो उसकी काफी लो एचपी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे फर्स्ट एड लगा लेंगे रेगल तो रौनक सारे के सारे प्लेयर मेरे हिसाब से क्लोजिंग आते हुए दिख रहे हैं। ग्रेड आते हुए दिख रहे हैं मेरे हिसाब से। ट्रेड में भी ग्रेड आ जाएंगे। यहाँ पे पतंजलि की तरफ ग्रेड आए ट्रेड में ग्रेड आ जाएंगे। लेट्स सी यहाँ पे ग्रेड यूटिलिटीज का यूज आता हुआ दिख रहा है। 3v3 फाइट रही यहाँ पे। दूर से भी थर्ड पार्टी होते हुए दिख रहे हैं टीम्स के प्लेयर। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत दिक्कत दे सकते हैं। यहाँ पे सेल्स के रेड्स भी बाकी है। 8 बिट के प्लेयर यहाँ पे कंपाउंड को होल्ड इन करें। यहाँ पे मॉडल ने रौनक को नॉकडाउन करते हैं। ये रश हो सकता है टीम सोल की तरफ से। क्या टीम सोल रश इन करती है फेनाटिक के ऊपर। यहाँ पे मॉडल आगे जाते हुए दिख रहे पर उन्हें माइंड चेंज करके वापस फॉल बैक आ जाएगा। नेक्स्ट जोन में उन्हें जाना है। तो यहाँ पे रिवाइव अप हो जाएंगे फेनाटिक के रौनक मेरे हिसाब से और निकल चुके रेगल तो मेरे हिसाब से स्लैमिंग करने का ट्राई कर रहे हैं फिर जोन में जाने की ट्राई करेंगे। रेगल तो उसने काफी प्यारी पोजिशन होल्ड इन की और यहाँ पे टायर बर्स्ट डाउन करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट जोन में भी जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जोन देखते हैं कहां पर बनेगा। काफी प्यारा कवर बनाते हुए दिख रहे सोल की स्क्वाड फेनाटिक के रौनक यहाँ पे रिवाइव अप हो जाएंगे। बाकी स्क्वाड की तरफ से रोटेशन हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टीम वेजिक रॉल की स्क्वाड को जोन में जाने जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे उनके सामने सोल और फेनाटिक की स्क्वाड है। सो देखते हैं यहाँ पे कैसा थर्ड पार्टी करती है टीम्स की स्क्वाड। ब्लाइंड के प्लेयर भी जोन में नहीं है बैरली और उन्हें जोन के लिए निकलना है। यहाँ पे अभी जाते हुए दिख रहे बाना उसके तरफ मेरे हिसाब से स्लैमिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पे स्लैमिंग आया अभी के तरफ से। यहाँ पे पतंजलि ने गॉड्स के मन्नू को नॉकडाउन किया 7-6 की स्क्वाड के साथ। यहाँ पे फाइट डाउन लेते दिख रहे पतंजलि से लास्ट का स्टैंडिंग फ्रॉम द टीम। वाइपर ने यहाँ पे फ्रैंकी को नॉकडाउन किया और फिनिश ऑफ देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। शॉट इन आते हुए दिख जाएंगे। स्काउट समहाउ सर्वाइविंग दिस फाइट आई थिंक। सो यस यहाँ पे 7-6 की स्क्वाड को भी एलिमिनेट कर दिया। 5 टीम बाकी रहते टोटल। ब्लाइंड की स्क्वाड मेरे हिसाब से यहाँ पे एलिमिनेट होती हुई दिख रही है। बात करते हैं हम यहाँ पे ब्लाइंड की स्क्वाड ने क्लोजिंग की एलिमिनेट नहीं हुई। यहाँ पे 8 बिट की स्क्वाड भी सर्वाइव करते हुए दिख जाएंगे। 8 बिट सोल यहाँ पे ब्लाइंड एक्सपेन को नॉकडाउन कर दिया गया। साइको एंड इवोस आर द लास्ट टू गाइस स्टैंडिंग। यहाँ पे मेरे हिसाब से इवोस
ओके हीरोज यहाँ पे स्टैक की तरफ हमें देखने को मिल जाएंगे, ग्रेट्स आते हुए दिख जाएंगे हमें 8-bit की तरफ से, वीएसजी क्रॉल की स्क्वाड भी सर्वाइव करते हुए दिख जाएंगी, स्काउट अकेले अपनी टीम की तरफ से सोल के तीन बंदे बाकी है, 8-bit के प्लेयर क्लोजिंग करते हुए दिख जाएंगे, माफिया ने क्लोजिंग किया, यूपो बाई स्कूल का एक लास्ट प्लेयर बाकी तब लाइन नॉकआउट करता है, हीरोज देखता है क्या करेंगे और इसी के साथ क्रेट बन चुकी है उनकी, दो प्लेयर नॉकआउट हुए 8-bit के, पर वो लोग ने अभी भी सर्वाइव कर लिया है, 8-bit की स्क्वाड सोल फेनाटिक एंड वीएसजी क्रॉलर, यहाँ पे 8-bit के प्लेयर्स की बात करें तो तीन किल ऑलरेडी उनके पास है, माफिया और अक्षु नॉकडाउन होते हुए दिख रहे हैं, मोसी और सेवन जो है मेरे हिसाब से दोनों के दोनों प्लेयर्स को रिवाइव अप कर देंगे, 25 मिनट्स हो चुके, जोन की बात करें तो सोल की तरफ जोन जाता हुआ दिख रहा है, क्या सेकंड चिकन डिनर हमें उनके तरफ से देखने को मिल सकता है, यहाँ पे पतंजलि को फिनिश ऑफ कर दिया, फेनाटिक की स्क्वाड यहाँ एलिमिनेट होती हुई दिख रहे, वीएसजी क्रॉलर की बात करें तो चार किल उनके पास भी, यहाँ पे 8-bit के प्लेयर्स को स्पॉट इन करने की ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे सोल के दो प्लेयर्स देखते हैं क्या परफॉर्म डाउन करेंगे भाई साहब, क्या यहाँ पे चिकन डिनर लेने में कामयाब रहेगी सोल की, दूसरा चिकन डिनर रहेगा अगर ये चिकन डिनर लेती है, पर 8-bit के पास मैन एडवांटेज है, और जोन की बात करें तो टीम सोल के पास मॉडल, यहाँ पे वीएसजी क्रॉलर के अभी को नॉकडाउन किया, मॉडल की भी देखते हैं यहाँ पे अभी को फिनिश ऑफ भी कर लेंगे, जोन के बाहर यहाँ पे सीजे को स्पॉट करने की ट्राई रहेगी मेरे हिसाब से, जो कि ट्रैक्टर के पीछे यहाँ पे होल्ड अप करते दिख जाएंगे, एचबी जो है वो नॉकडाउन है और वो फिनिश ऑफ भी हो जाएंगे, 8-bit की स्क्वाड को जोन में जाना है, यहाँ पे मॉडल और वाइपर देखते हैं यहाँ पे दोनों क्या कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, यहाँ पे 8-bit के बैक को मर्सी को स्पॉट इन किया है और यहाँ पे फैंस के पीछे वो छुप जाएंगे, 8-bit वर्सेस सोल, क्या लगता है गाइस आप लोग को, 2v3 फाइट है मेरे हिसाब से, ये कौन जीतेगा ये फाइट, सीजी जो है वो अभी भी हिल बैटल करने की ट्राई करे मेरे हिसाब से, सोल के प्लेयर्स को स्पॉटिंग किया, वाइपर को नॉकडाउन करते हुए दिख रहा है, मॉडल भी स्पॉटिंग होता है यहाँ पे, सीजी क्या दोनों प्लेयर को पिक ऑफ करने में कामयाब नहीं रह पाएंगे, ओके सो इसी के साथ सीजी जो है प्ले जोन से फिनिश ऑफ हो जाएंगे, वाइपर जो है वो नॉकडाउन रिवाइव होते हुए दिख जाएंगे, मॉडल के द्वारा 2v3 फाइट है, बैक फॉर मर्सी को पता चल चुका है एक बंदा उनका नॉकआउट है, एक लास्ट प्लेयर बाकी रहता है, बैक फॉर मर्सी क्लोज इन करते हुए दिख जाएंगे एकेएम के साथ, मॉडल एंड वाइपर क्या करेंगे, मॉडल को रीड आ चुका है कि उनके प्लेयर क्लोजिंग करें, कार 92 उन्होंने निकाली, एकेएम अपने हाथ में वापस ले लिया, लेट्स सी यहां पे स्पॉट किया, बैक फॉर मर्सी को नॉकडाउन किया, यहां पे रश आता हुआ दिख रहा है, माफिया का, माफिया को भी नॉकडाउन किया, मॉडल एक लास्ट प्लेयर रहता है, क्या 1v3 क्लच कर पाएंगे, मॉडल यहां पे स्पॉट करते हैं, उनकी एकेएम रीलोड में जाएगी, पर 8-bit की स्क्वाड ने क्लच कर लिया, मॉडल ऑलमोस्ट क्लच कर लिए थे भाई साहब।